तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ दहली की। तो आप देखिए, आपको अपनी वेबसाइट में सबसे पहले या तो न्यू यूजर मिलेगा या सिटीजन लॉगिन मिलेगा। तो यहाँ पे न्यू यूजर ये है, और साथ ही साथ में मैं आपको बता देता हूँ, आप अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई और सर्टिफिकेट यहाँ पे कर सकते हैं, टैग कर सकते हैं। अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपका फॉर्म कहाँ पे है, तो आप सब कुछ अपनी वेबसाइट में ही देख सकते हैं। तो आपको पहले न्यू यूजर पे क्लिक करना है दहली वालों के लिए। तो यहाँ पे आपको एक अपना अकाउंट बनाना है, या तो आधार कार्ड से बनाइए, वोटर कार्ड से बनाइए। यहाँ पे आपको अपना डॉक्यूमेंट नंबर डालना है, और ये जो इमेज है वो इमेज आपको यहाँ पे डालना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको लॉगिन आईडी मिल जाएगी, और पासवर्ड जो है वो आपको खुद बनाना पड़ेगा। इसके बाद फिर आप वेबसाइट पे पीछे आके अपना लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रजिस्टर्ड यूजर लॉगिन, तो आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, और मैं आपको पूरा फॉर्म भर के दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सिटीजन लॉगिन ये है, तो आप सिटीजन लॉगिन यहाँ पे कर सकते हैं। सिटीजन पे आप क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपको अपने आधार नंबर से लॉगिन करना है। और फिर आते हैं हम उत्तर प्रदेश पर। उत्तर प्रदेश पे आप इस जगह पे इस पेज पे आते हैं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू यूजर। अगर इंग्लिश में है तो न्यू यूजर होगा, और हिंदी में है तो सिटीजन लॉगिन होगा। तो यहाँ पे न्यू यूजर है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो एक अलग पेज जो है वो ओपन होगा। आपको सब में इसी तरीके से करना है। अब देखिए लॉगिन आईडी जो है, लॉगिन आईडी हम किस तरीके से बनाएंगे कि पहले किसी की लॉगिन आईडी होना। तो यहाँ पे मैंने एक लॉगिन आईडी यहाँ पे ये लिखी है, और यहाँ पे उपलब्धता की जांच करें। तो मैं देखता हूँ कि इससे पहले कोई आईडी है नहीं है। अगर इस नाम की कोई पहले आईडी होगी तो बता देगा। या देखिए यह लॉगिन आईडी उपलब्ध है, तो इस लॉगिन आईडी को मैं बना सकता हूँ। अब आपको अपना नाम लिखना है, जन्मतिथि लिखनी है, लिंक लिखना है मेल फीमेल, आपको अपना एड्रेस लिखना है, पिन कोड, जिला, और एक मोबाइल नंबर। एक मोबाइल नंबर से आप एक ही आईडी बना सकते हैं। और यहाँ पे अपनी मेल आईडी, ये जो इमेज है ये इमेज आपको इसमें डालना है, और फिर आपको इसे सुरक्षित करना है। ध्यान रखें, सुरक्षित करते ही आपके नंबर पे एक ओटीपी आएगा, और ये जो है लॉगिन आईडी, ये आपकी लॉगिन आईडी है, पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पे मिल जाएगा। अब पीछे हमें बैक पे आना है, और यहाँ पे देखिए लॉगिन फॉर रजिस्टर्ड यूजर। तो यहाँ पे हमें लॉगिन करना है, यहाँ पे हमें अपना यूजर नेम डालना है, जो हमारी ये ऊपर वाली आईडी है जो हमने बनाई है लॉगिन आईडी। इसके बाद हमें यहाँ पे अपना पासवर्ड या ओटीपी, जो हमारे मोबाइल नंबर पे ओटीपी आता है, वो ओटीपी हमें डालना है, और फिर इस इमेज को हमें इस जगह पे डालना है। तो एक हमारा जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे वेलकम राघव लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की साइड है। तो इस तरीके से आपको एमपी में मिलेगा, दिल्ली में मिलेगा, हरियाणा में मिलेगा, सभी प्रदेशों में इसी तरीके से आपको एक अपना पेज मिलेगा, जहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हैं, प्रिंट डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आवेदन भरे, तो आवेदन भरे पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये पेज ओपन हुआ है। सेवा चुने, तो यहाँ पे देखिए सारी सेवा मुझे मिली है जो मैं फ्री में भर सकता हूँ। आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, विकलांग प्रमाण पत्र। पर ये है कि इनमें जो है मैं 10-10 रुपए कटेंगे, वो किस तरीके से कटेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे मैं भरता हूँ निवास प्रमाण पत्र, जिसे हम मूल निवास बोलते हैं। निवास प्रमाण पत्र जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, निवास प्रमाण पत्र आवेदन करने के लिए क्लिक करें, तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये पेज है वो अलग ओपन हो गया है। तो इसी तरीके से आप अपने फॉर्म जो भर सकते हैं, तो मैं इसे आपको भर के दिखा देता हूँ। पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आप देखिए अगर गांव के हैं तो गांव, अगर नगर के हैं तो नगर लिखना है। प्रार्थी का नाम जो है पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, श्री, श्रीमती और कुमारी। इसी तरीके से माता का नाम, जन्मतिथि, जन्म का स्थान, पता, मकान नंबर, मोहल्ला, जनपद, तहसील, कुल, थाना, ग्राम, ये सब आपको भरना है इसमें। और फिर यहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, तो मैं आपको एक फॉर्म जो है भर के दिखा देता हूँ। ये सब भरने के बाद फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, तो जैसे कि फोटो, तो मैं यहाँ पे फोटो ले लेता हूँ एक अपना। आपको अपना फोटो लेना है जिसका फॉर्म भर रहे हैं। फोटो हो चुका है, यहाँ पे नीचे आ चुका है फोटो। इसी तरीके से आप स्वप्रमाणित घोषणा पत्र, इसे आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आप राशन कार्ड जो लगाना चाहे वो लगा सकते हैं। फिर इसके बाद आपको नीचे आना है और दर्ज करें, यहाँ पे लिखा हुआ दर्ज करें, आप जैसे इस पे क्लिक करते हैं दर्ज करें, तो इस तरीके से आपका फॉर्म जो है वो दिखाएगा। और ये जो नंबर है आवेदन संख्या, आप इसे नोटिस कर सकते हैं, इसे नोट कर लीजिए, इसे आप लिख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे देखिए सबसे नीचे लिखा हुआ है सेवा शुल्क भुगतान के लिए,
क्लिक करें तो यहाँ पे आपको अपना जो पेमेंट है वो पेमेंट देना है। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊँ, आपको ये नंबर जो वो नोट कर लेना है, इस नंबर को नहीं भूलना है क्योंकि आप इस नंबर से ट्रैक कर सकते हैं। अगर आप अभी इस नंबर से ट्रैक करेंगे तो अभी कुछ नहीं दिखाएगा, अभी यही बताएगा कि अभी आपके अकाउंट में है ये फॉर्म। और जैसे आप सेवा शुल्क भुगतान पे क्लिक करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर ये नंबर आ चुका है, और फिर सबमिट पे क्लिक करना है आपको। तो यहाँ पे 15 और ये 10 रुपये यहाँ पे देके आ चुके हैं, और फिर से मैं यहाँ पे क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पे देखिए 10 रुपये आ चुके हैं। अब आप पेमेंट अपना कटवा सकते हैं, आप क्रेडिट कार्ड से कटवाइए, किसी से भी कटवाइए, आप अपना पेमेंट कटवा सकते हैं। और देखिए आप पीछे अगर वेबसाइट पे आते हैं तो यहाँ पे आप देखिए आवेदन प्रिंट करें, सेवा शुल्क भुगतान आवेदन की सूची। अगर आपका फॉर्म बन जाता है तो आप निस्तारित आवेदन में क्लिक करके उस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आपका फॉर्म जब बन जाएगा तब। जैसे कि अभी मेरा फॉर्म भरा ही नहीं है, तो डोमिसाइल पे क्लिक करना है और सबमिट पे क्लिक करना है। जितने भी आपके फॉर्म बन जाएंगे वो आपको नीचे मिल जाएंगे और आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप जो है दिल्ली में ही भर सकते हैं, और यूपी के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ, यूपी के लिए मैंने बताया है, और ऐसे ही आप मध्य प्रदेश के लिए भर सकते हैं, और भी वेबसाइट है जिनमें भर सकते हैं। काफी जगह ऐसा है जहाँ पे ई मित्र चलता है, तो जैसे राजस्थान में ई मित्र चलता है, मैं वहाँ पे उसके लिए भी एक वीडियो पहले से बना चुका हूँ। तो अगर फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, अगर पसंद नहीं आया तो अनलाइक करें, और आपको इस बारे में कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सिर्फ आपको गूगल पे लिखना है ए डिस्ट्रिक्ट के बाद अपना प्रदेश लिखना है, और इसी तरीके से आप अपने फॉर्म भर सकते हैं। याद रखें फोटो जो है आपका 20 KB का होना चाहिए, और उसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं आधार कार्ड या कुछ भी हो वो 100 KB से कम होना चाहिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।